सो हे हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वन शॉट वीडियो। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टर्म टू का एंटायर पोर्शन। और ये एक एनिमेटेड सीरीज है जिसमें आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आप इस वीडियो को देखो और आपका जो कंसेप्ट है वो होने वाला है क्रिस्टल क्लियर। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मेक श्योर कि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दिया है, ताकि आपको न्यू वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वल्लिकनन तमिल राइटर के साथ साथ एक जर्नलिस्ट, क्रिटिक, तमिल लिटरेचर के ट्रांसलेटर भी रह चुके हैं। तो इस स्टोरी में एक 8 साल की बच्ची के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसका नाम होता है वलिया अमे, जिसे लोग शॉर्ट में वली के नाम से भी पुकारते थे। वो हर चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हुआ करती थी। अब जिस एरिया में वो लोग रहते थे, उस एरिया में वली के एज वाले एक भी बच्चे नहीं थे, और इसीलिए वो अपना अधिकतर टाइम अपने रूम के दरवाजे या खिड़की से बाहर देख करके गुजारती थी। लेकिन वली का फेवरेट पास टाइम था उस बस को देखना, जो हर घंटे उसके विलेज से स्ट्रीट जाती थी, टाउन जाती थी, और टाउन से वापस उसके विलेज में आती थी। तो वो उस बस में बैठे लोगों को ऑब्जर्व करती थी। वो ये देखना चाहती थी कि ये लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ पर जाते हैं, इनका मोटिव क्या होता है, बस में राइड करना कैसा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ वली सोचती थी। देन उसके मन में ये सब चीज़ को देख के एक डिज़ायर क्रिएट हो जाती है, और वो ये डिसाइड कर लेती है, वो ये ठान लेती है कि अब वो भी जाएगी बस की राइड में। फिर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो महीने तक उस बस को ऑब्ज़र्व करती है, उस बस की टाइमिंग को ऑब्ज़र्व करती है, वो उन लोगों को ऑब्ज़र्व करती है जो उस बस से जाते हैं। वो उनसे पूछती है कि बस का फेयर कितना होता है। और जब उसने इतने सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, तब उसे ये पता चलता है कि ये जो बस है उसका फेयर है 30 पैसे फॉर वन साइड, मतलब कि उसके विलेज से टाउन तक जाने का फेयर है 30 पैसे और वापस आने का 30 पैसे। तो टोटल हो गया यहाँ पर 60 पैसे। और वली के लिए, क्योंकि वो 8 साल की बच्ची थी, तो ये अमाउंट भी उसके लिए बहुत बड़ा था। वली अपने मॉम से पैसे नहीं मांगना चाहती थी, और वो ये भी नहीं चाहती थी कि कोई उसके साथ उसकी बस राइड में आए। वो ये चीज अकेले एक्सपीरियंस करना चाहती थी, और इसीलिए उसने पैसे किसी से नहीं मांगे। फिर वो पैसे सेव करने भी लग जाती है, अपने पैसे भी बचाने लग जाती है। फिर उसने प्लान किया कि अगर मैं 1 बजे बस में बैठ जाती हूँ तो 1:45 तक टाउन पहुँच जाऊँगी, एंड अराउंड सेम बस में वो वापस भी आ जाएगी 2:45 तक। एंड मीनवाइल इस इंटरवल में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस इंटरवल में उसकी मॉम बेसिकली सोई रहती है, तो वो उसे देख भी नहीं पाएगी। अब जब वली के पास 60 पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, देन सी डिसाइडेड कि अब वो बिल्कुल से रेडी हो गई है उस राइड को लेने के लिए। अब जैसे ही वो बस जाने लगती है, तो एकदम से कंडक्टर को वॉइस आता है, मींस आवाज़ आता है पीछे से कि बस को रोकने के लिए। तो कंडक्टर बस को रोकते हैं और देखते हैं कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है जो कि उस बस में एंट्री करना चाह रही है। तो कंडक्टर उस बच्ची को हेल्प करता है, अपना हाथ देता है ऊपर आ जाने के लिए, पर हमारी वली किसी की मदद नहीं लेती है और वो खुद से बस में चढ़ के आ जाती है। अब जब वली बस के अंदर आ जाती है, तो वो नोटिस करती है कि बस जो है वो काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड बस होता है, उसके सीट्स काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस होते हैं, उस बस के वॉल्स बेसिकली न्यूली पेंटेड होते हैं, एंड बाकी सारे जो लोग होते हैं जो बस में सफ़र कर रहे होते हैं, वो उस छोटी सी बच्ची को देख करके बेसिकली छोटा सा शौक हो जाते हैं कि क्या ये अकेली है और यह खुद से अकेले ट्रैवल करेगी। लेकिन वली को इन सब बातों से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को एक छोटी सी बच्ची बिल्कुल भी नहीं मानती थी। उसे लगता है कि अगर वो बस का राइड, मींस बस का फेयर को पे कर सकती है, तो वो छोटी कैसे हुई, वो भी बाकियों की तरह पैसे दे रही है, और इन सब बातों से उनका क्या लेना देना। और फिर वली चुपचाप अपने सीट में जाकर के बैठ जाती है। और जो हमारा बस का कंडक्टर है, वो बेसिकली एक जॉली नेचर का आदमी होता है, बट वली को लगता है, मतलब कंडक्टर उसे बात करने की कोशिश करता है, बट वली को ऐसा लगता है कि वो उसका मजाक उड़ाएगा, और इसीलिए वो बात नहीं करती है उससे। तो जब बस चलना शुरू हो जाता है, तो वो अपने विंडो से बाहर देखती है, बट उसे कुछ खास नज़र नहीं आता है। तो फिर वो अपने थोड़ा सा सीट के ऊपर बैठती है, और फिर वहाँ से विंडो के बाहर का नज़ारा को देखती है। तो मीनवाइल एक ओल्ड मैन, जो जेन्युइनली उसके लिए कंसर्न्ड होता है, वो वली से कहता है कि तुमको सीट में अपने बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर बस में जोर से ब्रेक लगेगा या फिर हल्का सा भी ब्रेक लगेगा, तो वो सीधे आगे जा करके गिर जाएगी। लेकिन वली उनकी भी बात को नहीं सुनती है, इग्नोर कर देती है, और वैसे ही बैठे रहती है। अब किसी को भी केयर करना ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि उनके लिए भी पहली बार होता है जब कोई एकदम इतना छोटा सा बच्चा बस में अकेले सफ़र कर रहा होता है, वो भी दूसरे सिटी के लिए।
तो वो लोग थोड़ा सा वरिड भी होते हैं, लेकिन साथ साथ वो लोग थोड़ा सा खुश भी होते हैं उस बच्ची के कॉन्फिडेंस को देखकर। फिर वली उस कंडक्टर से कहती है कि वैसे तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है, तो सबसे पहले मुझे वो चीज़ दे दो। और इस बात का कंडक्टर रिप्लाई करता है यस मैडम बोल के। बेसिकली वो उसे यस मैडम बोलता है क्योंकि वली नहीं चाहती है कि कोई भी उसे बच्चे की जैसा ट्रीट करे, तो वो उसे मैडम कहकर बोलता है और उस टिकट को पंच करके उसे दे देता है। उसके बाद वली उस बस के बाहर के सीन को देखना शुरू कर देती है। उसे बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं, वो कैनल दिखता है जिसके ऊपर से उसका बस जो है वो गुजर रहा होता है, बहुत सारी ग्रीनरीज दिखाई देती है, एनिमल्स दिखाई देते हैं, और ये सब उसे बहुत ही ज्यादा वंडरफुल, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद बस एक स्टॉप में रुकती है और फिर नए पैसेंजर उस बस को बोर्ड करते हैं, उस बस के अंदर आ जाते हैं। और ये चीज देख के वली जो अपने सीट के ऊपर बैठी हुई होती है वो अपने सीट में मीन्स एकदम प्रॉपरली बैठ जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं जो नए पैसेंजर्स बस के अंदर आ रहे हैं वो उसकी सीट में ना बैठ जाए, इसलिए वो नॉर्मली एक अच्छे बच्चों की तरह वहां पर बैठ जाती है। और फिर एक लेडी उसके बगल वाले सीट में आकर के बैठ जाती है, जो कि वली को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि उस लेडी को मतलब बेसिकली ऐसा वली कह रही है कि उस लेडी के जो ईयरलोब्स है वो काफी बड़े बड़े होते हैं और उसके पास से जो बीटल नट का स्मेल होता है वो बहुत ज्यादा आ रहा होता है, तो उसको ये पसंद बिल्कुल भी नहीं होता है। और ऑन द अदर साइड वो लेडी काफी ज्यादा वरीड होती है वली के लिए, क्योंकि उसे भी लगता है क्या ये बच्ची अकेली है और ये कैसे अकेले ट्रेवल कर रही है, बट वली को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो वली रिप्लाई करती है, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो प्लीज आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। और फिर वली अपने विंडो के बाहर वाले सीन को देख करके अपना मींस एक गुम सा हो जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है बाहर के सीन में वो हरियाली को देख के, उन बड़े बड़े पेड़ों को देख करके, जानवरों को देख के, तो वो वहां पर गुम हो जाती है, क्योंकि वो एक नज़ारे को भी मिस आउट नहीं करना चाहती है, वो सब चीज़ को अपनी आंखों में कैप्चर कर लेना चाहती है। इसीलिए वो आराम से बाहर देखते रहती है, लोग भी उसे देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी बच्ची अपना राइड को एंजॉय कर रही है। अब ऑथर हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि वली उन 60 पैसे से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती थी, जैसे कि खिलौने, बलून्स, कुछ खाने के लिए कैंडीज, चॉकलेट, बट वो वैसा नहीं करती है। वो पूरा प्लान आउट करती है कि कैसे वो बस राइड को पूरा करेगी, वो कैसे दूसरे शहर में जाएगी, दूसरे शहर से वापस आएगी, और ये सब कुछ प्लान करना एक छोटी सी बच्ची के लिए बहुत अच्छी बात है, मीन्स काफ़ी नई चीज़ है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग था। अपार्ट फ्रॉम दैट वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थी, और इसके बाद जो मेन चीज़ है वो इतना सारा जो एक्सपीरियंस है वो खुद अकेले लेना चाहती थी। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वली छोटी तो थी बट उसमें करेज बहुत ज़्यादा था और वो एक बहुत अच्छी ब्रेव लड़की थी। और फाइनली जब वो बैठी हुई होती है तब उसे बाहर एक काउ दिखती है जो भाग रही होती है, और उसकी जो टेल है वो इट वॉज हेल्ड हाई, जिसका मतलब ये होता है कि वो काफ़ी घबराई हुई, वो डरी हुई होती है। और जैसे जैसे वो भाग रही होती है तो ये चीज़ को देख करके वली को काफ़ी ज़्यादा हंसी आता है और वो हंसने भी लगती है। उसको ये चीज़ मजाक लगता है कि एक एनिमल है वो सड़क के बीचों बीच कैसे भाग रहा होता है, और वो इतना ज़्यादा हंसने लगती है कि कंडक्टर को बोलना पड़ता है कि सारी हंसी क्या आज ही निकालोगी, कुछ कल के लिए भी बचा के रखो। और फिर वली अपना आंसर देती है कि उसे कुछ एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। तो वली को काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है उस सिनेरियो से। अब फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं अपना डेस्टिनेशन, और जो कंडक्टर है वो वली से कहता है कि मैम अब यहाँ पर हमारी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो गई है, अब आप प्लीज़ उतर जाओ, क्योंकि इसके आगे आप नहीं जा पाओगे और 30 पैसे तक आप सिर्फ यहीं तक सफ़र कर पाओगे। और फिर वली कहती है कि नहीं नहीं आप लो ये 30 पैसे और रखो, और इसी बस से मैं जो जहाँ से मैं बोर्ड की थी वहाँ पर मैं वापस जाऊँगी, अपना टाउन में वापस जाऊँगी, क्योंकि वली को सब कुछ पता था, वो पहले ही प्लान आउट कर चुकी थी कि वो सेम बस में वहाँ पर जाएगी और सेम बस से वहाँ पर आ जाएगी और शायद 2:45 तक वो अपने घर भी पहुँच जाएगी। तो वो उस प्लान के हिसाब से और 30 पैसे दे करके उसे कंडक्टर को वो चीज़ बोल देती है। और फिर वो कंडक्टर उसे कहता है कि अरे तुम इतने दूर सफर करके आई हो, क्या तुम इन स्टॉल्स को घूमना नहीं चाहती हो? देखो बाहर कितने अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं, कितने अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल स्टॉल्स लगे हुए हो, क्या तुम इन्हें घूमना नहीं चाहती? अब ऑब्वियसली बात है कोई विलेज और एक सिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो होगा ही। सिटी में बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े शॉप्स होते हैं और काफ़ी ऐसा जगह होता है जहाँ वली घूम सकती है, बट उसे घूमना नहीं होता है। वली साफ मना कर देती है कि नहीं नहीं वो उस बस में ही बैठी रहेगी, और शायद ये चीज़ हमें उसके रिस्पॉन्सिबल नेचर को भी दिखाता है।
और अब क्योंकि कंडक्टर एक बहुत अच्छा जॉली नेचर का आदमी था, बहुत हम्बल था, तो वो वली से कहता है कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ खाने को लेके आता हूँ। फिर वली उससे भी मना कर देती है कि नहीं नहीं आप परेशान ना हो। फिर कंडक्टर उसे मनाने का भी कोशिश करता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक अपने साइड से दे रहा हूँ, तुम्हें उसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी वली उसे साफ मना कर देती है, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, हाँ मेरे पास पैसे नहीं है बट मेरे लिए इतना केयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करो और मेरे लिए केयर करना भी छोड़ दो। तो अब वो वेट करते हैं उस टाउन से बहुत सारे पैसेंजर्स उस बस में बैठ जाए और वो वापस से अपने विलेज की तरफ जाने लगे। अब वली जाने टाइम भी उतना ही एक्साइटेड रहती है जितना वो आने टाइम थी, तो उसके लिए जो एक्साइटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उस बाहर के सीन को देखना, वो चुपचाप उस बस के बाहर वाले सीन को नोटिस करती, उसे इंजॉय करती, तो उसकी एक्साइटमेंट बिल्कुल भी कम नहीं होती है दूसरी बार। और फिर वो देखती है उस काऊ को जो आने टाइम वली को काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कराया था, उसे काफ़ी ज़्यादा बेसिकली हंसाया था, तो सी इज़ लाइंग डेड, मतलब कि वो रोड के साइड में मरी हुई थी। और ये चीज़ वली देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये काऊ वही है जो हमने आने टाइम देखा था। तो उसका कंडक्टर रिप्लाई करता है कि हाँ ये वही काव है, बेसिकली ये कोई हाई स्पीड व्हीकल ने इसे हिट कर दिया होगा और वो ऐसे मर गई होगी। तो वली को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि जब वो सफर स्टार्ट की थी तो वो काव उसे काफी ज्यादा हंसाया था, एक अच्छा सा मींस मेमोरी बन गया था उसका उस काव के साथ, उसे लगने लगा था कि ये काव कितनी ज्यादा अच्छी है, कितना फनी है, एंड अब इतनी सीरियसली सी इज लाइंग डेड। तो वली को काफी ज्यादा बुरा लगा उसके लिए। एंड देन जो उनकी बस थी वो अगेन जैसे आने टाइम हुआ था कि जब ट्रेन क्रॉस करती है तो बस रुक जाता है और बाकी व्हीकल्स भी रुक जाते हैं, तो सेम वही चीज़ वापस से दोहराने लगता है। उनका बेसिकली जाने और आने का रूट तो सेम ही होता है और फाइनली वली वहाँ पर पहुँच जाती है, मतलब कि अपने विलेज पहुँच जाती है। और फिर जब वली उस बस से उतर जाती है तो वो उस कंडक्टर से कहती है ओके वेल सर, होप टू सी यू अगेन। और फिर कंडक्टर रिप्लाई करता है ओके मैडम, अब जब भी आगे आपका कुछ मन करे बस राइड लेने का तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना, यू आर मोस्ट वेलकम। फिर वली कहती है ओके फाइन, मतलब कि ठीक है, एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। तो अब वली जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है तो वो ये चीज़ देखती है कि उसकी जो मॉम है वो बेसिकली सोई हुई नहीं है, वो उठी हुई होती है। और अब यहाँ पर आप लोग के लिए एक टास्क है, अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपको यहाँ पर बिना वीडियो को आगे देखे कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, और अगर आप यहाँ पर वली के केस में होते तो आपके साथ क्या होता। अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा डांट खाने वाला होता, बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। तो वली देखती है कि उसकी जो मॉम है वो बेसिकली सोई हुई नहीं होती है, वो उजागी हुई होती है, और उसकी जो आंट है वो वहाँ पर प्रेजेंट थी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि उनकी आंट या फिर वली की मॉम की वन ऑफ द सिस्टर वहाँ जो साउथ स्ट्रीट में रहती है तो वो वहाँ पर उसके घर में आई हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा चैटर बॉक्स होती है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा बात करने में तेज होती है। और जैसे ही वली उनको दिखती है कि वो अंदर आ रही है तो वो कहती है कि वली तुम अभी तक कहाँ थी, तुम्हारी मॉम तुमको तभी से ढूंढ रही है। और फिर वली कहती है नहीं, यहाँ पर वली कुछ नहीं कहती है, वो स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। एंड मीन वाइल वो जो उनकी मदर है, उनकी आंट है, वो बातें कर रही होती है। एंड वो क्या बात कर रही होती है, मतलब कि इतनी बड़ी दुनिया है और कहाँ पर क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता। एंड जाते जाते वली जब इस बात को सुनती है तो वो रिप्लाई करती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मतलब कि हाँ इट इज़ ट्रू डैट किसी को भी नहीं पता कि दुनिया के कौन से कोने में क्या चीज़ हो रहा है या फिर कुछ ही बगल में उनके घर के क्या हो रहा है, किसी को भी नहीं पता, सब कोई को सब चीज़ें नहीं पता हो सकती है। तो वली की जो आंट है उसे ऐसा लगता है कि वली उनको बैक आंसर कर रही है, लेकिन उनको क्या पता कि वली तो अभी अभी राइड करके आई है और वो खुद के थॉट में अभी खोई हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ऑथर बताते हैं कि इस टाइप का एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे वो अपना जर्नी को कंप्लीट करती है और आने के बाद उसके साथ क्या होता है। और फिर वो हमें वली के बारे में बताते हैं कि वो 8 साल की होने के बावजूद वो कैसे एकदम फाइनली अपना प्लानिंग करती है, उसके हिसाब से वर्क करती है और बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली अपने घर भी वापस लौट करके आ जाती है। वो इस जर्नी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रही, बहुत ज़्यादा ब्रेव रही, वो ना ही वहाँ पर मीन्स टाउन पहुँच जाने के बाद उस बस से उतरी, ना ही उसने किसी से कुछ भी चाहे वो हेल्प ली या फिर कुछ इटेबल्स लिया, जस्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। एंड जिस मोटिव से वो बस राइड को करना चाहती थी वो उस मोटिव से उस बस राइड को करती है और वापस आ जाती है।
तो यहीं पे ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने देखा मैडम राइज द बस का डिटेल्ड समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, एंड हाँ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि अगर आप वो सिचुएशन में रहते तो आपके साथ क्या होता, आपकी मॉम कैसे रिएक्ट करती। तो गौतम बुद्ध का बर्थ सन 563 BCE में हुआ था। वो एक राजकुमार थे और इसीलिए वो एक बहुत ही शानदार, मतलब कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनका जो पूरा नाम था वो था प्रिंस सिद्धार्थ गौतम। उनको गुरुकुल के बाद जो फर्दर स्टडीज होता है उसके लिए उनके पेरेंट्स ने उनको बाहर भेज दिया था। उन्होंने हिंदू के सारे जो पवित्र ग्रंथ होते हैं वो पढ़े। फॉरेन में 4 साल पढ़ने के बाद वो वापस से इंडिया आते हैं, और इंडिया में आते के साथ साथ उनका जो शादी है वो एक राजकुमारी के साथ हो जाता है। उनका एक बच्चा भी होता है, और 10 साल आफ्टर मैरिज उन्होंने एकदम अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय किया, और इस टाइम पे उनको मीन सारे हैप्पीनेस मिल जाते थे क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और जितने भी दुख होते हैं उनसे वो मतलब कि वो हर समय खुश रहते थे और दुख से उनका कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर जब वो 25 साल के हुए तब उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा, फिर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा कैसे वो बहुत सारी कठिनाइयों में अपना जिंदगी को झेल रहा है, मतलब कि जिंदगी से लड़ रहा है। फिर उन्होंने एक फ्यूनरल देखा, मतलब कि अंतिम संस्कार देखा, और फिर उन्होंने एट लास्ट एक को देखा जो अपने सर्वाइवल के लिए भीख मांग रहा था। और ये सब देख के पहली बार उनको अपने लाइफ की रियलिटी से सामना होता है, और ये सब देख करके वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और फिर उन्होंने सारे वर्ल्डली प्लेजर्स यानी कि सारे संसारिक सुखों को त्याग कर दिया, और फिर वो एक भिखारी बन जाते हैं। वो स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश में निकल जाते हैं और 7 साल तक भटकते रहते हैं, और आखिर में एक पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं और ध्यान लगाने लग जाते हैं। और फिर उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उनको पूरी ज्ञान नहीं मिल जाते, पूरा ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाता, तब तक वो पीपल के पेड़ के नीचे से हिलेंगे भी नहीं। 7 दिन के बाद उनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने उस पेड़ को जिस पेड़ के नीचे वो बैठ के ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, उस पेड़ को उन्होंने बोधि ट्री का नाम दिया, और उसके बाद वो लोगों में ज्ञान बांटने और सच का प्रचार करने निकल गए। और उसके बाद वो लोगों में ज्ञान बांटने लगे और सच का प्रचार करने लगे। उन्होंने अपना पहला स्पिरिचुअल टॉक बनारस में दिया था। तो अब एक गांव में एक किसा गौतमी नाम की महिला रहती थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था, और एक दिन अचानक से उस बच्चे की डेथ हो जाती है, और वो कैसे भी करके अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती थी, और वो कुछ ऐसे दवाइयों का तलाश कर रही थी जिससे उसका बेटा जो है वो ठीक हो जाए। वो उस बच्चे को लेके इधर उधर भटकते रहे, और लोगों की नज़र में तो वो पागल भी बन गई थी। फिर उसे किसी भले आदमी ने गौतम बुद्ध के बारे में बताया और उसे बुद्धा के पास जाने की सलाह दी। फिर किसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास चली जाती है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद उनसे कहती है कि कुछ ऐसा मेडिसिन दीजिए, कुछ ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरा बेटा वापस से जिंदा हो जाए। बुद्धा ने बहुत देर सोचने के बाद बोला, मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक ऐसे घर से सरसों के बीज लाने होंगे जिस घर में किसी की भी डेथ नहीं हुई होगी अभी तक। फिर वो महिला उस सरसों के एक मुट्ठी सरसों के बीज के लिए जहाँ तहाँ भटकती रही, मतलब पूरे गाँव में ऑलमोस्ट उसने छान मारा, लेकिन कहीं भी उसे ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी की भी डेथ नहीं हुई हो। फिर पूरे दिन इधर उधर भटकने के बाद शाम में उसे रियलाइज होता है कि लाइफ इज द इल्यूजन एंड डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ। फिर वो बुद्धा के पास लौट आती है, और फिर बुद्धा ने उनसे कहा, हमारा तो जीवन छोटा और दर्द से भरा है, जो जन्म लेता है इस पृथ्वी में उसका मरना निश्चित है। इस संसार में कोई भी प्राणी किसी की जान नहीं बचा सकता, किसी के रोने से उस मृत शरीर में वापस जान नहीं आ जाती। समझदार लोग, मतलब बेसिकली समझदार लोग मूव ऑन कर लेते हैं, और एक दो बार रो के मन को शांत कर लेना चाहिए। ज्यादा दुख मनाने से हमारे अंदर ही नुकसान होता है, और जो दुख को नियंत्रण में कर लेता, मतलब कंट्रोल में कर लेता है, उसे ही शांति की प्राप्ति होती है, उसे ही शांति मिलती है। इस फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है द प्रपोजल। क्या बोला तूने? छोटा सा चैप्टर। अरे हाँ यार, चलो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट अगर आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आपका जो कंसेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है, और आपको कोई डाउट नहीं होगा, इतना तो मैं गारंटी दे ही सकता हूँ। तो चलो, अब बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो गया, अब लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। तो इस चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम है एंटन चेकोव, जो कि एक रशियन प्ले राइटर और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। अब प्ले राइटर का मतलब क्या हुआ? प्ले राइटर का मतलब वो लोग जो बेसिकली प्लेज लिखते हैं, और हमारा जो चैप्टर है यानी कि द प्रपोजल, ये भी बेसिकली एक प्ले ही है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर आता है वो है स्टेपन चुपकोव का, जो कि एक लैंड ओनर है। सेकंड कैरेक्टर है इन्हीं की डॉटर का, जो कि एक 25 ईयर ओल्ड लेडी होती है, जिनका नाम होता है नतालिया स्टेपनोवा। अब थर्ड कैरेक्टर है इवान लोमोव का, जो इनके नेबर होते हैं और वो भी एक लैंड ओनर होते हैं। तो हमारा जो प्ले है ये सिर्फ इन्हीं तीन कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व होता है। तो प्ले स्टार्ट होता है चुपकोव से, जो अपने घर के ड्राइंग रूम में बहुत ही आराम से बैठे हुए होते हैं, और तभी वहां पर आता है हमारा प्ले का थर्ड कैरेक्टर यानी कि लोमोव। उस टाइम पे लोमोव ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखा था, उसने एक जैकेट भी पहना हुआ था, उनके हाथ में ग्लव्स थे और वो ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा था। एंड जैसे ही चुपकोव लोमोव को देखते हैं तो उनको भी सेम वैसा ही लगता है कि इतना अच्छे से ड्रेस्ड अप होकर ये कहाँ जा रहा है, शायद ये कोई स्पेशल इवेंट को अटेंड करने जा रहा है या फिर कोई पार्टी में ये जा रहा होगा बेसिकली। तो सबसे पहले तो वो लोमोव को अपने घर में वेलकम करते हैं, थोड़ा इधर उधर की बातें करते हैं, मस्का लगाते बेसिकली कि इतने दिनों से कहाँ था, मिलने नहीं आते तुम, और वही जो नॉर्मल बातें होती वही उन दोनों के बीच में बात हुई। और उसके बाद चुपकोव लोमोव से पूछ ही लेते हैं कि दोस्त क्या हुआ, आज तुम इतने तैयार हो कि क्यों निकले हो, एंड आज कुछ स्पेशल डे है क्या? तो सामने से लोमोव का रिप्लाई आता है कि हाँ एक्चुअली स्पेशल डे तो है और मैं आपसे यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट करने को आया हूँ, ऐसा लोमोव कहता है चुपकोव से। इस रिक्वेस्ट वाली बात को सुन के चुपकोव को ऐसा लगता है कि लोमोव उसके घर कुछ पैसे लेने के लिए आया है या फिर ऐसे कुछ पैसे उधार लेने को आया है, बट वो उसे पैसे देना नहीं चाहता था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद लोमोव उनसे कह देता है कि एक्चुअली वो उनकी बेटी नतालिया को मैरिज के लिए प्रपोज करने आया है। मतलब बेसिकली यही हुआ कि वो शादी का रिश्ता लेके आया था उनका और नतालिया का। तो जैसे ही वो इस बात को सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वो खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि लोमोव एक बहुत अच्छा लैंड ओनर होता है, वो रिच भी होता है, और आफ्टर ऑल वो भी तो ये चाहता है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए, तो ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लोमोव को सिर्फ एक बात का डर था, और वो डर ये था कि कहीं नतालिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करे, कहीं उसे रिजेक्ट कर दे। तो फिर चुपकोव कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचो, नतालिया क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी तुम्हारे प्रपोजल को, तुम इतने अच्छे हो, तुम एक रिच लैंड ओनर भी हो, तुम हमारे नेबर हो, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, नतालिया जरूर तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। अब फिर वो वहां से चले जाते हैं नतालिया को बुलाने के लिए। अब जैसे ही नतालिया वहाँ से बाहर निकल के आती है तो उसे लगता है कि कोई ट्रेड्समैन आए हुए हैं कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करने के लिए, क्योंकि उनके फादर ने यही कहा था उनसे। अब वो बाहर आके ये देखती है कि उनके जो नेबर है लोमोव वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इससे पहले कि वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करे, वो बात करना स्टार्ट करे, लोमोव के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। जैसे कि मैं 35 ईयर्स का हो गया हूँ, मैं कुछ कुछ छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा चिढ़ भी जाता हूँ, और वो अपने डिसीजन मतलब कि नतालिया को अपना लाइफ पार्टनर बनाने का डिसीजन में थोड़ा सा प्राउड फील करता है, क्योंकि अब नतालिया एक अच्छी हाउसवाइफ हो सकती है, उसके साथ साथ वो ठीक ठाक भी दिख लेती है, मतलब कि वो एक एवरेज लुकिंग गर्ल भी है, एंड आई फील वेरी नाइस कि मैंने ये डिसीजन लिया, ऐसा लोमोव खुद से कहता है। तो अब जब नतालिया आती है वो देखती है कि उनके नेबर लोमोव वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो उनसे जाती है और कहती है आई एम सो सॉरी, मेरे जो कपड़े हैं, मेरे जो एप्रिन है वो थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि मीन्स आप माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मैं काम कर रही थी। तो लोमोव सामने से कहता है अरे नहीं नहीं इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो फिर वही नॉर्मल कन्वर्सेशन चलता है कि इतने दिनों बाद आए, कैसे हो, कहाँ थे, यही सब जो भी चलता है नॉर्मल वही चल रहा था। देन अभी तक लोमोव ने बेसिकली उसे बताया नहीं था कि वो उसे वहाँ पर प्रपोज करने के लिए आया है। फिर लोमोव ये कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्लैड है कि उनके और उनके फैमिली का रिलेशन, मतलब कि लोमोव के फैमिली का और नतालिया का फैमिली का बहुत अच्छा सा रिलेशन है, एंड हमेशा से वो दोनों मतलब वो दोनों फैमिली एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा ब्लेस्ड फील करता है क्योंकि एक दूसरे की फैमिली बहुत अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के फ्रेंड्स भी है। अब फिर बातों बातों में लोमो फिर वहाँ पर कहता है कि मुझे याद है तुम्हारे ब्रिजवुड्स के साथ साथ मेरे ऑक्सन मेडोज भी है। और फिर जब वो इस तरह की बात को स्टार्ट करता है तो फिर नतालिया उसे बीच में रोकती है और कहती है एक्सक्यूज मी योर ऑक्सन मेडोज, मतलब कि तुम्हारे ऑक्सन मेडोज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सन मेडोज होता है वो बेसिकली एक लैंड होता है जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो लोमोव कहता है कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है वो उसकी फैमिली ओन करती है और अभी के टाइम में वो उसकी है। लेकिन फिर नतालिया कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जो ऑक्सन मेडोज है वो उनकी फैमिली ओन करती है। तो अब इस चीज़ को लेके, ये पर्टिकुलर लैंड को लेके उन दोनों के बीच में एक आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है।
अब दोनों इस बात पे लड़ने लगते हैं, अरे नहीं नहीं फिजिकली नहीं, वो WWE नहीं चल रहा है यहाँ पर, मतलब वो लोग आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, वो अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है, तो फिर नतालिया अपना जस्टिफिकेशन दे रही है ये प्रूव करने के लिए कि वो जो लैंड है वो उनके फैमिली ओन करती है। और फिर लोमो समझाता है कि ये जो लैंड है वो मेरी ही है, अब मैं बताता हूँ कैसे। बेसिकली मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर है उन्होंने ही तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर के पीजेंट्स को ये लैंड दिया था। हाँ हमने कुछ टाइम के लिए जरूर ये यूज़ करने के लिए दिया था, ये डिस्प्यूटेड लैंड जरूर है, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग ये हमारा लैंड है। फिर नतालिया कहती है कि तुम्हारा दिमाग कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो मेडोज है ऑक्सिन मेडोज है ये पहले भी हमारी ही थी और अभी भी हमारी ही है। अब देखते ही देखते आर्गुमेंट्स बढ़ने लगता है और लोमो भी बेचारा भूल जाता है कि वो किस पर्पस से उसके घर में आया है। अब देखते ही देखते नतालिया के जो फादर है चुपको वो भी इस आर्गुमेंट में एंटर कर जाते हैं, और जब वो एंटर करते हैं तो ये आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है। अब दो के बजाय तीन जन यहाँ पर आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से क्वेरल करने लगते हैं। अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई होने लगती है कि जो चुपकोव होते हैं वो कर्सिंग करते करते मतलब भला बुरा सुनाते सुनाते लोमोव को अपने घर से बाहर निकाल जाते हैं। अब मीनवाइल चुपकोव जो होते हैं उनके मुंह से ये चीज़ निकल जाता है, मतलब अनइंटेंशनली, वो जानबूझ के नहीं निकालना चाहते थे बट फ्लो में निकल जा रहा था कि बड़े आए मेरी बेटी को प्रपोज करने वाले। अब जैसे ही नतालिया को मतलब ऑब्वियसली वो तो सुनी ही होगी, वो वहीं थी, तो जैसे ही नतालिया उस बात को सुनती है तो फिर वो अपने फादर से कहती है कि लोमो को वापस से अपने घर में बुलाओ, उसे वापस से अंदर बुलाओ, और उसे फिर रिग्रेट होता है, मतलब कि पछतावा होता है कि उसने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। अब यहाँ पर चुपकोव को भी अच्छा नहीं लगता है कि मतलब पहले तो वो लोग दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, अब जैसे ही उसको ये बात का पता चलता है कि लोमो उसे प्रपोज करने आया था फॉर मैरिज तो वो उसकी साइड लेने लगी, तो फिर वो अपने आप को ही कर्स करता है कि वो एक ग्रोन अप डॉटर के फादर है। तो अब जैसे ही वहाँ पर लोमोव को अंदर लेके आते हैं वो, तो नतालिया मीन्स एक काइंड ऑफ ट्राई करती है बात को घुमाने की और किसी और टॉपिक के बारे में बात करने की। अब मीनवाइल लोमोव को जो होता है ना, मतलब मैंने पहले आपको बताया था जब वो सोचता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं 34 ईयर्स मतलब जितने भी ईयर्स का हो गया हूँ, तो वो उसको प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है और उसके जो हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पंप करने लग जाते हैं। अब नतालिया ट्राई करती है कि वो किसी और टॉपिक के बारे में बात करे और जो कुछ भी अभी हुआ था कुछ देर पहले वो सब चीज़ के बारे में भूल जाए। अब फिर वो टॉपिक निकलता है शूटिंग का, फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं शूटिंग के बारे में। अब फिर से बातों बातों में नतालिया कह देती है कि उसका जो डॉग स्क्वीज़र है, मतलब कि नतालिया का जो डॉग है पेट डॉग स्क्वीज़र, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लोमोव के डॉग से, जिसका नाम होता है गैस। तो उन दोनों के बीच में फिर से अब इस बात पे लड़ाई होने लग जाती है। अब अगेन वही चीज़, एक कहता है कि मेरा डॉग अच्छा है तो दूसरी कहती है कि मेरा डॉग अच्छा है। अब फिर से यहाँ पर दोनों में एक हीटेड आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है और मीनवाइल यहाँ जो लोमोव है उसके जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप करने लग जाती है और फिर वो अनकॉन्शियस होके जमीन पे गिर जाता है। फिर दोनों को लगता है, यानी कि नतालिया और चुपकोव को लगता है कि मतलब लोमोव के बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है तो मे बी शायद ही इज़ डेड, मतलब कि वो मर चुका है, लेकिन फिर भी वो उसे कर्ल करना, उसे चिढ़ाना या फिर उसको जो भी भला बुरा कहना छोड़ते नहीं है और वो कंटिन्यू रखते हैं। अब मीनवाइल नतालिया को नज़र आता है कि जो लोमोव है जो पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस है, तो वो फिर वहाँ पर चुप हो जाती है और फिर जैसे ही लोमोव के बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट दिखता है उन्हें तो वो उसे पानी पिलाने की कोशिश भी करते हैं बट वो अनसक्सेसफुल रहते हैं, वो उसे पानी नहीं पिला पाते हैं, बट किसी ना किसी तरीके से लोमोव को वहाँ पर वापस से होश आ जाता है। तो इस बात पे नतालिया को कहीं ना कहीं खुशी मिलती है कि उसका जो लोमोव है वो बेसिकली होश में आ गया है। तो अब चुपकोव यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है और देखता है जैसे ही कन्वर्सेशन यहाँ पर ख़त्म हो गया है तो वो जाता है अपनी डॉटर का हैंड लेता है और लोमोव के हैंड के ऊपर रख देता है एंड जो लोमोव है ही किसेस हिज डॉटर्स हैंड, मतलब कि वो नतालिया के हाथ को चूमता है। एंड अब जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, अब जैसे ही वो आराम से बैठने लग जाते हैं तो नतालिया बहुत ही चाइल्डिश वे में कह सकते हैं, मीन्स वो बहुत ही बचपना तरीका से कहती है कि मेरा जो डॉग है वो तुम्हारे डॉग से मच मच बेटर है। एंड इस बात पे फिर से जो उनकी जो लड़ाई है वो कंटिन्यू हो जाती है, मतलब कि स्टार्ट हो जाती है एंड फिर वो लड़ते रहते हैं और जो हमारा प्ले है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर चुपको बेसिकली कहता है कि शैंपिंग लेके आओ, मतलब यहाँ पर सेलिब्रेट करो, ये दोनों बेवकूफ़ तो भूल ही गए कि इनकी आपस में शादी होने वाली है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। तो ये कहानी है गोवा के ट्रेडिशनल बेकर्स का, जो आज के सोसाइटी में भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं। तो आपने कभी ना कभी
कोई पुराने आदमी को अपने जमाने की बात करते सुना ही होगा। जब पोर्टुगीज के दिन हुआ करते थे तो वो एल्डर्स उन पोर्टुगीज की बातें करते हैं। उनके जमाने में जो ब्रेड होते थे, इन सब चीजों के बारे में ही वो एल्डर लोग बात करते हैं। पोर्टुगीज द्वारा बनाया गया ब्रेड को खाने वाले शायद समाप्त हो गए होंगे, लेकिन बनाने वाले अभी भी है। हम आज भी उन्हें रखते हैं। आज भी मिक्सर्स, मोल्डर्स, वो लोग और वो सारी चीजें जो ब्रेड बनाने में काम आती थी, वो पुराने फर्नेंस जिसमें वो लोब्स पकते थे, वो आज भी मौजूद है। उस फर्नेंस में जो आग जल रही थी, वो आज भी जल रही है, वो बुझी नहीं है। आज भी उन ट्रेडिशनल बेकर्स की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि वो ट्रेडिशनल बेकर्स लोग कह रहे हैं कि मॉर्निंग ब्रेड आ गई है। और उन बेकर्स का ऐसा साउंड कुछ जगहों पर अभी भी सुनी जा सकती है। जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे वो तो शायद अभी जिंदा नहीं होंगे, बट उनके सन, उनके जो बेटे हैं, वो उस ट्रेडिशन को अभी भी फॉलो करते आ रहे हैं। और इन बेकर्स को आज भी गोवा में पैडर्स कहकर पुकारा जाता है या फिर पैडर्स कहा जाता है। तो अब ऑथर कहते हैं कि उनके बचपन में ये जो बेकर लोग हैं वो हमेशा शांत रहा करते थे। वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे और कभी कभी हमें गाइड भी करते थे। वो लोग सबसे पहले मॉर्निंग के टाइम में आते थे जब वो अपने ब्रेड को बेच रहे होते हैं, और दूसरी बार तब आते थे जब उनकी बास्केट खाली हो जाया करती थी और वो वापस जा रहे होते हैं। तब उनके बैम्बू से काफी अच्छे किस्म की साउंड निकल रही होती है, उनके बैम्बू से यानी कि अच्छे साउंड्स निकलते हैं, और वहाँ के सभी लोग उस साउंड को काफी ज्यादा पसंद करते थे। और कभी कभी तो उन साउंड्स को सुनने के लिए लोग बाहर भी आ जाया करते थे। तो ऐसा क्यों होता था? मे बी इसीलिए क्योंकि हमारा और ब्रेड का कुछ अच्छा संबंध है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ब्रेड तो सर्वेंट लाया करते थे। हम लोग तो केवल उस ट्रेडिशनल बेकर के पास ब्रेड्स के लिए जाते थे जो रिंग के आकार में होते थे, और हम उसे एकदम ध्यान से सिलेक्ट करते थे जिसे हमें खाना होता था। और कभी कभी वो ब्रेड खासकर मीठी बनाई जाती थी। तो जब भी ये बेकर्स आते थे तब झम झम करके एक म्यूजिक बजता था जो साउंड इनके बैम्बूज से आ रहे होते थे। इन बेकर्स का एक हाथ इनके सर के ऊपर जो बास्केट है उस पर रहा करता था, और दूसरा हाथ से ये लोग उस बैम्बू को जोर जोर से पीटते थे जिससे ये झमझम वाली साउंड आती थी। तो जब कोई लेडी अपने घर से बाहर निकलती थी तो वो बेकर्स उन्हें ग्रीट किया करते थे गुड मॉर्निंग कहकर, और फिर वो अपने बास्केट को एक वर्टिकल बैम्बू के ऊपर रख दिया करते थे। अब ऑथर कहते हैं कि हम यानी कि हम बच्चों को तो डांट कर साइड कर दिया जाता था, लेकिन हम भी यानी कि ऑथर कहां मानने वाले थे। हम कैसे भी करके उस बास्केट के अंदर एक ना एक बार झांक लिया करते थे, और आज भी उन लोफ्स की स्मेल उनको आती है। वो आज भी इन्हें याद है, यानी कि ऑथर को याद है। लोफ्स बड़े लोगों के लिए आते थे और बैंगल्स बच्चों के लिए। उन बेकर्स के आने के बाद बच्चे तो काफी एक्साइटेड हो जाया करते थे, इतना कि वो इवन ब्रश करना भी भूल जाते थे। और हम ब्रश भी क्यों करें? कौन अपने दांतों को साफ करने के लिए आम के पेड़ पर चढ़ेगा और उसका एक छोटा सा ब्रांच को तोड़ेगा और अपने दांतों को रगड़ेगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले जब ब्रश नहीं हुआ करता था, जब ब्रश एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब पुराने जमाने के लोग मैंगो के ब्रांचेस से अपना दांत को साफ किया करते थे, और शायद इसे दतमन कहते थे। नहीं यार, मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके जरूर बताना इसे क्या कहते थे। तो फिर बच्चे कहते हैं कि क्या भला कभी शेर अपने दांतों को रगड़ता है? और वैसे भी अगर हम गर्म चाय पी ले तो हमारे दांत तो वैसे भी साफ ही हो जाते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन हो, जैसे कि शादी का फंक्शन या फिर कोई भी फंक्शन, अगर उस फंक्शन में ये ब्रेड ना हो तो उस फंक्शन का सारा रौनक ही खत्म हो जाया करता था। इतने सारे ब्रेड लवर थे गोवा में। और मैं अगर नहीं कहूँ तो फिर भी आप समझ जाओगे कि एक बेकर उस गांव के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। घर की लेडीज सैंडविचेस बनाती है उसी ब्रेड से, वो भी अपने बेटे या बेटी के एनिवर्सरी में, यानी कि रिंग सेरेमनी में या फिर रिंग सेरेमनी में। तो आप समझ ही सकते हैं, मेरे कहने का कोई जरूरत भी नहीं है कि बेकर और ब्रेड सेलर का उस गाँव में कितना इम्पोर्टेंस था।
जो ब्रेड सेलर्स थे वो कबाई नाम का ड्रेस पहना करते थे रेगुलरली, और ये ड्रेस यानी कि कबाई केवल एक सिंपल क्लोथ की ही बनी हुआ करती थी, इसमें एक से ज्यादा क्लोथ नहीं हुआ करते थे, और इसका टॉप आपके शोल्डर से लेकर के नीज तक हुआ करते थे, वो काफी लंबा हुआ करते थे। बचपन में ऑथर ने देखा था कि जो बेकर्स होते हैं वो शर्ट और ट्राउजर पहनते हैं, और इनका ट्राउजर कुछ अलग ही किस्म का हुआ करता था, ये फुल लेंथ से थोड़ा सा छोटा और हाफ पैंट से थोड़ा सा लंबा हुआ करता था। और अगर आज भी कोई वैसा पैंट कोई वैसा ट्राउजर अगर पहन लेता है तो लोग उसे कमेंट कर ही दिया करते थे कि ये तो पैडर जैसा लग रहा है। ये बेकर्स पूरे गांव में ब्रेड दिया करते थे रेगुलरली, और मंथ के एंड में उनको घर में जा जाकर बिल्स दे दिया करते थे, और इनका मंथली अकाउंट यानी कि मंथली खाता पेंसिल से घर का कोई ना कोई दीवार में लिख दिया जाता था। बेकिंग एक ऐसा प्रोफेशन था पुराने जमाने में जिसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ करता था। अब चाहे बेकर हो या उसकी फैमिली हो या उसका सर्वेंट हो, उन सब में से किसी को भी देखकर ऐसा लगता था कि वो अपनी लाइफ में खुश है और खाते पीते घर के लगते थे वो लोग। और अगर आज भी कोई इंसान ऐसा दिख जाता है कि वो हेल्दी हो, फिजिकली फिट हो, और उसका फिजिकल अपीयरेंस एक जैकफ्रूट यानी कि कटहल जैसा दिखता होगा, तो लोग कह देते थे कि ये एक बेकर है। कुर्ग एक कॉफी कंट्री है जो फेमस है अपने रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए यानी कि मसालों के लिए। तो मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच एक ऐसा जगह है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग खुद पे खुद पृथ्वी पर उतर के आ चुका है। इस लुढ़कती हुई पहाड़ी पर लड़ाकू आदमियों यानी कि योद्धाओं की प्रजाति, सुंदर महिला और जंगली जानवर रहते हैं। कुर्ग एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, और ये प्लेस एक घर है रेन फॉरेस्ट का, स्पाइसेस और कॉफी प्लांटेशन का भी। यहाँ का ऑलमोस्ट 30% एरिया एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से भरा हुआ है। तो जब इस इलाके में मॉनसून आती है तब बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है, और कोई भी यहाँ का व्यक्ति जमीन पर पांव नहीं रख पाता है। और यहाँ का ये सुनहरा मौसम केवल सितंबर से लेकर के मार्च तक ही सीमित रहता है, और यहाँ का वेदर एकदम उस सीजन में परफेक्ट रहता है, और वहाँ के नॉर्मल एयर में भी आपको कॉफी की सुगंध आ जाया करेगी। और यहाँ के लोग ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के माने जाते हैं। एक पुरानी स्टोरी के अनुसार अलेक्जेंडर की महान सेना का एक भाग दक्षिणी तट के तरफ चला गया था और वहीं पर बस गया क्योंकि वहां से वापस लौटना पॉसिबल नहीं था, और फिर इन लोगों ने वहां के लोकल पीपल के साथ रिलेशनशिप में रहने लगे और शादी भी कर लिए। और ये सब सारी चीजें वहां की ट्रेडिशन कल्चर और मैरिज ट्रेडिशन में साफ साफ झलकते हैं, जो हिंदू ट्रेडिशन से यानी कि हिंदू ट्रेडिशन से काफी ज्यादा अलग होता है। और वहां के लोग एक काफी डिफरेंट प्रकार का कपड़ा पहनते हैं। उनका ड्रेस बेसिकली लॉन्ग ब्लैक कोट होता है जिसमें सुंदर सा बुनाई किया हुआ होता है, और ये कपड़ा ज्यादातर कोडागोज नाम के व्यक्ति पहना करते थे, कोडागोज समुदाय के व्यक्ति पहना करते थे, क्योंकि ये बिल्कुल सेम दिखते थे एकदम खुफिया टाइप से। और इसे अरब्स और कूड्स के लोग भी पहना करते हैं। ये लोग बेसिकली खुशतुमार रहते थे, लोगों का अच्छे से आदर और सम्मान करते थे, और ये लोग युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं का बहुत ही ज्यादा तारीफ किया करते थे और तारीफ करते भी है। और यहाँ के बच्चे उन वीर योद्धाओं की स्टोरी सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहा करते थे। और ये कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी का सबसे ज्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट भी माना जाता है, और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी का सबसे पहले चीफ, सबसे पहले जनरल जनरल करियप्पा भी एक कुर्गी ही है। कुर्गी मतलब कि कुर्ग के रहने वाले। और इंडिया में कोडावोज ही वो लोग हैं जो विदाउट लाइसेंस फायरआर्म अपने साथ रख सकते हैं, वो लोग इसके लिए परमिटेड है। कावेरी नदी का पानी भी इन एरिया इन हिल्स से गुजर कर वहां पर आती है, और इस नदी के पानी में महासेर नाम का बहुत ही यूनिक प्रकार का प्रजाति मछलियों का पाया जाता है। किंगफिशर बर्ड इन्हीं फिशों को पकड़कर वो अपना भोजन करती है, और यहाँ के स्क्विरल्स और लंगूर खाए हुए फल को मस्ती करने के लिए पानी में फेंका करते हैं ताकि पानी में हलचल हो। महाउट अपने हाथियों को
अच्छे से स्क्रब करके वहाँ पर नहलाते हैं और इंजॉय भी करते हैं। यहाँ के लोग कुछ इस प्रकार का गेम को खेलना पसंद करते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एक्सेट्रा। और जब आप इस रास्ते से गुजरिएगा तो स्क्विरल, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट, ये सब सारी चीज आपको कंपनी देंगे। और कुछ जानवर जैसे कि मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर, सिलेंडर, ये लोग अपने अपने पेड़ में चढ़कर आप पर नजर रखेंगे। और जैसे ही वाइल्ड एलिफेंट्स आते हैं तो सभी लोग साइड हट जाते हैं और साइड हट जाना ही पसंद करते हैं। और अगर आप यहाँ पर का एक हिल जो ब्रह्मागिरी हिल है तो उस पर अगर आप चढ़ते हैं तो यहाँ का पूरा नेचुरल व्यू आपको मिलेगा। बायलाकुपी एक ऐसा जगह है जो एक प्लेस है कुर्ग में। ये बुद्धिस्ट मॉन्क है जो यहाँ के लोगों के लिए एक प्रॉफिट सा है। जब भी लोग यहाँ पर आते हैं तो वो जो मॉन्क्स होते हैं रेड और येलो रोब्स में, तो लोग इन्हें देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। मॉन्क्स इंडिया की हार्ट और सोल है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कुर्ग में ही पाए जाते हैं। इस चैप्टर में एक लड़का है जिसका नाम है प्रांजल, जो राजवीर के साथ दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। और प्रांजल का घर असम में है और उसके फादर टी गार्डन के एक मैनेजर है। और प्रांजल के पिता उसे समर वेकेशन में उसके घर वापस बुला रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक वेंडर है तो वो चिल्ला रहा होता है, चाय गरम, चाय गरम। और फिर वो वेंडर खिड़की के पास आ जाता है, मतलब विंडो के पास आ जाता है और कहता है चाय साहब। तो फिर प्रांजल रिप्लाई करता है दो कप दे दीजिए। तो इस वक्त प्रांजल एक ट्रेन में बैठा होता है और वो अपने घर वापस जा रहा होता है राजीव के साथ। उस कंपार्टमेंट में, उस ट्रेन के बोगी में जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, जितने भी पर्सन है, वो सब गर्म चाय पी रहे हैं। और फिर राजवीर प्रांजल से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे इस वर्ल्ड में डेली लगभग 8 करोड़ कप ऑफ टीज पिया जाता है। फिर इसी बात का रिप्लाई करते हुए प्रांजल कहता है व्यू, चाय इतना पॉपुलर है यार, ये यहाँ पर व्यू क्यों बोल रहा है, यहाँ तो वाव बोला जाता है। सच में कितने गधे लोग हैं। और ठीक उसी समय ट्रेन वहाँ से खुल जाती है और तभी प्रांजल अपने डिटेक्टिव बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। और राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत पसंद थी और उसे पढ़ना भी उसे काफी पसंद था। पर उस समय राजवीर उस सीनरीज को देख रहा होता है जो ट्रेन के विंडो से बाहर दिख रहा है। राजवीर को खिड़की से बाहर चारों तरफ केवल ग्रीनरी ही दिखाई दे रही है। राजवीर कभी भी अपने जिंदगी में इतना सारा ग्रीनरी कभी नहीं देखा होता है। राजवीर को चारों तरफ सॉफ्ट पैडी ग्रीन फील्ड दिख रहे थे जिसमें काफी सारे टी के बुशेस ग्रो कर रहे थे। तो प्रांजल जो बचपन से ही टी गार्डन को देखते आ रहा है, क्योंकि उसका घर असम में है और उसके जो पापा होते हैं वो एक टी गार्डन के मैनेजर हैं, तो इसीलिए वो इस एक्साइटमेंट को उतना ज्यादा गौर नहीं करता है क्योंकि उसके लिए ये चीज एक आम बात है। और फिर वो कहता है कि ये जो इंडिया है वो एक टी कंट्री है और यहाँ पर काफी सारे टी गार्डन मिल सकते हैं और तुम वहाँ पे काफी ज्यादा टी गार्डन भी देख सकते हैं। लेकिन राजवीर फिर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है और फिर वो कहता है कि मैं टी के बारे में बहुत कुछ अभी पढ़ रहा हूँ और आज तक इस दुनिया में किसी को ये नहीं पता कि टी का ओरिजिन कहाँ से हुआ और टी कहाँ से डिस्कवर हुआ है। पर इसके पीछे बहुत सारे लेजेंड्स लिखे हुए हैं। लेजेंड्स यानी कि बहुत पुरानी स्टोरीज। वो सभी कहानियों में से राजवीर एक कहानी को उठाता है और कहता है कि बहुत समय पहले एक चाइनीज एम्परर थे जो वाटर को बॉइल कर रहे थे और तभी कुछ पत्ते वहाँ पर उड़कर आते हैं और उनके बॉइल हो रहे पानी पर गिर जाते हैं और फिर अचानक से उस पानी के अंदर कुछ चेंजेस दिखने को मिलता है। उस पानी में एक डिलीशियस फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और कुछ समय बाद ये पता चलता है कि वो जो पत्ते थे वो कोई और पत्ते नहीं बल्कि टी लीव्स थे। पर प्रांजल इस बात का रिप्लाई देता है और कहता है कि नहीं, मुझे तुम कुछ और कुछ नया स्टोरी सुनाओ क्योंकि तुमने कहा कि इस बात पर बहुत सारे लेजेंड्स हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी पुरानी स्टोरीज है टी से एसोसिएटेड, तो मुझे उनमें से कुछ एक को बताओ। अब राजवीर दूसरी कहानी सुनाता है और ये कहानी इंडिया के बारे में होता है। तो एक बुद्धिस्ट आदमी जिसका नाम था बुद्धि धर्मा, तो वो अपने आईलिड्स को काट दिए थे क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा नींद आती थी। अब यार मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किसी को अगर नींद आ रहा तो वो अपना आईब्रोज को क्यों काटेगा। सच में ये बंदा बहुत ज्यादा
छोड़ो आगे सुनो। तो फिर उनके कटे हुए आईब्रोज से छोटे छोटे 10 टी प्लांट उगने लग गए थे और फिर वो धीरे धीरे करके बड़े हो गए और एक प्लांट बन गए और फिर सभी लोग उस प्लांट के पत्तों को तोड़कर गर्म पानी में मिलाकर पिया करते थे ताकि उन्हें नींद ना आ पाए। राजवीर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, वो फिर अपनी तीसरी कहानी की ओर बढ़ता है और उसके बाद कहता है कि टी सबसे पहले चाइना में पिया गया था अराउंड 2700 BC के अराउंड। अब राजवीर एक्सप्लेन करते हैं, ये जो टी है, ये जो वर्ड है चाय, ये चाइनीज से रिजेंबल हो रहा है। हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज है इसमें तो चाय 16th सेंचुरी में आया था और वहाँ पर 16th सेंचुरी में पिया गया था और यूरोप में तो इस चाय को, इस टी को एक मेडिसिन जैसा ट्रीट किया जाता था। फिर राजवीर के ये तीन कहानी खत्म होने के बाद ट्रेन मरीनी जंक्शन के पास जाकर के रुकती है और तभी राजवीर और प्रांजल दोनों अपना अपना लगेज उतारते हैं और फिर उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म से निकलने की कोशिश करते हैं। तो प्रांजल के पेरेंट्स स्टेशन पर उसका वेट कर रहे होते हैं। तो फिर राजवीर और प्रांजल दोनों देखिया बरी के तरफ बढ़ने लगते हैं। ये एक जगह का नाम है जहां पर उन्हें पेरेंट्स लेकर के जाते हैं। तो देखिया बरी में जो टी गार्डन था वो उसके मैनेजर बेसिकली प्रांजल के फादर ही थे। वैसे ये देखिया बरी ही है ना यार, क्योंकि वैसा ही नाम लग रहा है, देखिया बरी। उम्मीद करता हूँ मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा तो कमेंट कर देना। तो एक घंटा कार में बैठने के बाद वे लोग मेन रोड को क्रॉस करते हुए एक कैटल ब्रिज को पार करते हुए देखिया बरी टी स्टेट पहुँचे। उन दोनों को रोड के दोनों साइड सिर्फ और सिर्फ टी गार्डन ही दिख रहे थे और वो भी एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा और एकदम सेम रेगुलर हाइट के। कुछ लोग प्लास्टिक एप्रॉन्स पहन के, प्लास्टिक एप्रॉन्स एक ड्रेस होता है जो वही लोग पहनते हैं जो टी बूसेस को तोड़ते हैं, आपको ऊपर इमेज में दिख रहा होगा। तो वो लोग प्लास्टिक एप्रॉन्स पहन के टी लीव्स को तोड़ रहे होते हैं और फिर प्रांजल के फादर अपने कार को स्लो डाउन करते, मतलब कि कार का स्पीड को स्लो डाउन करते हैं क्योंकि सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा होता है जो वहाँ उससे उसके कार के बगल से पार होना जो उसके कार के बगल से पार हो रहा होता है जिसमें पूरा टी के लीव्स लदे हुए होते हैं। फिर राजवीर पूछता है कि अभी छोटे छोटे टी लीव्स दिख रहे हैं तो क्या ये उनका स्प्राउटिंग पीरियड है और क्या वो यही समय है जो जब टी लीव्स उगना शुरू करते हैं। तो फिर मिस्टर बरुआ प्रांजल के डैड का नाम होता है। फिर राजवीर कहता है कि क्या ये वही सीजन है जून से जुलाई तक का जिसमें बेस्ट टी लीव्स निकल कर आते हैं। और फिर प्रांजल के डैड यानी कि मिस्टर बरुआ कहते हैं कि हाँ ये वही पीरियड है, तुमने तो काफी अच्छी होमवर्क करके रखी है। और फिर राजवीर कहता है हाँ पर मिस्टर बरुआ मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक मैं यहाँ रहूं तब तक मैं टी के बारे में एक भी चीज मिस ना करूं, उसके बारे में सब कुछ जान लूं, सब कुछ या ज्यादा से ज्यादा।